वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी कोरोना वायरस की जंग से लड़ने के लिए कोरोना वॉरियर सहित जिला प्रशासन व सामाजिक संस्थाएं लगातार प्रयास कर रही हैं। तो वहीं एक नन्ही बच्ची ने ऐसी मिसाल पैदा की है जो हर रोज करीब 4 से 5 मास्क बनाकर कोरोना जंग से लड़ने वालों के साथ अपनी भागीदारी को भी अदा कर रही है। बिलासपुर जिला के मंडी मानवा की रहने वाली 7 वर्षीय अवनी जहाँ सेकेंड क्लास में ऑनलाइन होमवर्क को भी बखूबी पूरा कर रही है, तो वहीं खाली समय के दौरान खेल कूद की जगह वो मास्क बनाकर जरूरतमंद बच्चों को बांटने का काम भी कर रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह अवनी अपने नन्हे नन्हे हाथों से मास्क बनाकर समाज सेवा में काम में जुटी हुई है, जबकि इस उम्र में नन्ही बच्चियां गुड़िया व खिलौनों के साथ खेलती हैं। इस उम्र में अवनी मास्क बनाकर अपनी साझेदारी का उदाहरण भी पेश कर रही है। कोरोना वायरस के इस जंग के खिलाफ अवनी के इस सहयोग से उसके माता पिता भी काफी खुश हैं और वे अवनी पर गर्व करते हैं। अवनी की माता का कहना है कि कोरोना वायरस के चलते देश में लगे लॉकडाउन के बाद जहां हर व्यक्ति को मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है, तो वहीं इन हालातों को देखते हुए अवनी ने खुद ही मास्क बनाने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद उन्होंने मास्क बनाने में अवनी की पूर्ण सहयोग करते हुए जरूरत का सामान उसे मुहैया करवाया। साथ ही उनका कहना है कि अवनी द्वारा बनाए गए मास्क को वे जरूरतमंद बच्चों में बांट देती है ताकि कोविड-19 से बच्चों को सुरक्षित रखा जा सके। मेरी छोटी सी बेटी अवनी 7 साल की, वो भी बना रही है मास्क जो हम जरूरतमंदों को दे रहे हैं, उसको मैं कपड़ा ला के देती हूँ और वो भी छोटे छोटे बना रही है और बच्चों को दे देते हैं, उनको बांट देते हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा जब इसने बोला मम्मी मैंने बनाने हैं, और मेरे को खुशी हुई, मैं इसको कपड़ा काट के दे देती हूँ और खुद बना देती है। कितने आप मास्क बनाते हैं? 4-5 मास्क बना देती है। किसको बांटते हैं आप? बच्चों को बांट देते हैं जो आते हैं जरूरतमंद। तो किस तरह से ये जो इसकी पहल है एक छोटी सी बच्ची होगी 7 साल की, तो किस तरह की पहल को आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है वो, गर्व लगता है? हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा लगता है जब ये बनाती है और लोग भी पसंद कर रहे हैं छोटे छोटे मास्क। देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है तब से हर एक आदमी अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभा रहे हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्स हो गई हैं और अपने पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, उसी तरह मेरी एक छोटी बेटी है जो अपने मास्क बना रही है और छोटे छोटे बच्चों के लिए वो उसको बांट रही है। इसके लिए हमें बहुत खुशी और गर्व होता है। जैसे हमारी बेटी किसी चीज़ के लिए बुलाती है कपड़ा, जो हम उनको सामान जो है उसे मंगवाते हैं और देते हैं, और जी इससे ये मास्क बनाए और अपना सहयोग जो देश के प्रति प्रदान कर रही है, इसे हमें बहुत खुशी होती है और गर्व भी है।